अस्सलाम वालेकुम। तो यारो कैसे हो? तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं हुआवे P30 लाइट वर्सेस वीवो V15। कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों को खरीदना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों को बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, मैं आप लोगों को वही बताऊंगा इस वीडियो में। तो यार अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन। अब अगर हम लोग बात करें इनके कंपैरिजन से तो पहले मैं आप लोगों को प्राइस बता देता हूं। यार दोनों की प्राइस कट हुई है और मैं आप लोगों को पहले प्राइस बता देता हूं। हुआवे P30 लाइट की जो प्राइस है ना वो है 44,000 रुपये। आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में ये 42,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा आराम से। और अगर हम लोग देखें ना वीवो V15 की तो ये हमारे 46,000 रुपीज का देखने को मिल रहा है और यार ये आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में 44,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। और यार अब बात करते हैं इनके स्पेसिफिकेशन से और कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए अच्छा है। तो अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करें ना, प्रोसेसर हमारे P30 लाइट में Kirin 710 प्रोसेसर देखने को मिलता है और वेरिएंट हमारे को देखने को मिल रहा है 4GB RAM 128GB स्टोरेज। और अगर हम लोग बात करें वीवो V15 की तो इसमें हमारे को देखने को मिला है मीडियाटेक का हीलियो P70 प्रोसेसर, उसके साथ आप लोगों को वेरिएंट देखने को मिला है इसमें 6GB RAM 64GB स्टोरेज। और यार अगर हम लोग प्रोसेसर में कंपेयर करें ना तो यार दोनों की जो परफॉर्मेंस है ना वो ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। तो चलो यार अब बात करते हैं इनकी डिस्प्ले की। तो 6.2 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले मिल रही है हमारे को P30 लाइट में IPS डिस्प्ले। और यार आप लोग इसमें कोई तो प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती लेकिन आप लोग इसमें डॉट नॉच देखने को मिली। और अगर हम लोग बात करें वीवो V15 की तो इसमें हमारे को 6.5 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले मिल रही है और ये भी एक IPS पैनल है। और यार आप लोगों को फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिली और इसमें आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिली। तो चलो यार अब बात करते हैं इनके लुक्स की और साथ साथ फिंगरप्रिंट सेंसर का भी बता देता हूँ, साथ साथ सिम स्लॉट का भी। और अगर हम लोग लुक्स वाइज देखें ना तो यार मुझे P30 लाइट बहुत ज्यादा पसंद आया यार। और अगर हम लोग कंपेयर करें वीवो V15 से तो दोनों में हमारे को रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलते हैं और यार दोनों में हमारे को डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिली। तो चलो यार अब बात करते हैं इनके कैमरास की। तो हुआवे P30 लाइट में हमारे को बैक में ट्रिपल कैमरा देखने को मिल रहे हैं, एक मिला 24 मेगापिक्सल का सेंसर, एक मिला 8 मेगापिक्सल का और एक मिल रहा है 2 मेगापिक्सल का। और अगर हम लोग वीवो V15 की बात करें ना तो इसमें भी हमारे को बैक में ट्रिपल कैमरा देखने को मिल रहा है, एक मिला 12 मेगापिक्सल का सेंसर और एक मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का और एक मिल रहा है 5 मेगापिक्सल का। और अगर हम लोग फ्रंट की बात करें ना तो फ्रंट में हमारे को दोनों में सेम कैमरा देखने को मिला है, 32 मेगापिक्सल का सेंसर दोनों में देखने को मिला है। और यार P30 लाइट में हमारे को डॉट नॉच देखने को मिली है और वीवो V15 में हमारे को पॉपआउट सेंसर देखने को मिला है। तो चलो यार अब बात करते हैं इनकी बैटरी की। तो हुआवे P30 लाइट में हमारे को देखने को मिली है 3340 mAh की बैटरी, उसके साथ आप लोगों को इसमें टाइप सी देखने को मिलती है और उसके साथ आप लोगों को इसमें 18W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है। और अगर बात करें वीवो V15 की तो इसमें हमारे को देखने को मिली है 4000 mAh की बैटरी और उसके साथ आप लोगों को इसमें microSD की पोर्ट देखने को मिली है और उसके साथ आप लोगों को इसमें ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग देखने को मिली। तो चलो यार अब बात करते हैं इनके OS की। तो OS हमारे को दोनों में एंड्रॉइड 9 पाए देखने को मिल रहा है, EMUI 9 हमारे को देखने को मिला है हुआवे P30 लाइट में और फ्रंट टच OS 9 हमारे को देखने को मिला है वीवो V15। और यार मेरा जो ओपिनियन है ना इन स्मार्टफोन के लिए, तो मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो अगर आप लोग सेल्फीज के लिए हिसाब से लेना चाहते तो दोनों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे हैं यार। और अगर आप लोग परफॉर्मेंस में भी देखो ना तो दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमारे को प्रोवाइड करने वाले हैं। और अगर आप लोग देखो यार कैमरास के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो पी सीरीज को ज़्यादा फोकस कर रही होती है कैमरास पे हुआवे की। तो मैं आप लोगों को कैमरास के हिसाब से अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोगों के लिए P30 लाइट बेस्ट रहेगा और यार उसकी प्राइस भी हमारे को कम देखने को मिल रही है। और यार अगर आप लोगों को पॉपआउट सेंसर चाहिए तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा वीवो V15। तो यार मुझे लगता है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, या पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार। मैं आप लोगों से ऐसे ही बहुत सारे कंपैरिजन भी लेकर आता रहता हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखना यार। फ़ी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।